Well, hi guys, I'm Shaul Malhotra and I want you to subscribe Siddharth Kannan's YouTube channel now. मेरा बहुत ही पुराना दोस्त, द एवर हैंडसम, द एवर लवेबल शरद मल्होत्रा, मेरे भाई कैसा है यार? वेरी गुड सेड यार, सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग. बहुत अच्छा लग रहा है, इतने टाइम के बाद मैं आपको देख रहा हूँ. मैं सिर्फ सुनते रहता हूँ कि आपकी बहुत प्यारी दोनों बेटियां हैं घर पे, बच्चियां हैं, और टच वुड आई थिंक यू आर ब्यूटीफुल फैमिली. और बस मैं सिर्फ इंस्टा पे कभी कभार देख लेता हूँ आपको, लेकिन मुलाकात नहीं हुई कि अभी पैंडेमिक चल रहा है ऐसे भी. बट सो गुड टू सी यू यार. क्या बात है मेरे भाई, बड़ा वेरी एनवियस ऑफ यू कि सारी एक्ट्रेसेस तुम्हारी बाहों में चली आती है और मुझे भैया. जितनी बॉलीवुड हीरोइंस है वो सब आपकी बाहों में जरूर आती है. ओनली फॉर इंटरव्यूज यार, एक्शन और कट के बीच में. कट के बीच में व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन आई से धीरज धूपर? धीरज जो है इज अ गुड फ्रेंड यार, हम हालांकि बहुत कम मिलते हैं, बट आई हैव नोन धीरज फॉर इयर्स नाउ. धीरज भी मेरे शो में थे नागिन में, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया. थोड़े वक्त के लिए बीच में आए थे, अपना जादू बिखेर के चले गए. तो या इज अ नाइस गाय, टिपिकल पंजाबी मुंडा. पार्थ संतान? बिल्कुल, मैं जानता नहीं उन्हें, बट मैंने सुना है कि वो एमटीवी में काफी छाए हुए थे और उसके बाद यूथ काफी उनके पीछे दीवाना था. जो लड़कियां हैं जो काफी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है और अच्छा काम करते हैं. शहीर शेख? Again, I think definitely, yeah, a good-looking man and has done some brilliant work on television. मुझे याद है उनका एक शो आया था जो I think जिसका भी शायद sequel भी आ रहा है. तो बहुत अच्छा शो था, beautiful show, कमाल की लाइनें थी, कमाल की feel थी, emotions थे, performances थे. So yes, good in-depth actor. Ladies, क्योंकि तुम ladies man हो in a very platonic manner right now. Hina Khan. Oh, absolutely, I call her the boss lady man. बिग बॉस में उन्होंने अपना जो जादू बिखेरा है, आई थिंक वो कमाल का. मैंने भी वो सीजन थोड़ा बहुत देखा था, और अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन. वो जानती है वो क्या बोल रही है, कुछ वेवर नहीं करती हैं, जो चाहिए एग्जैक्टली वही बोलती हैं. एंड मैं उनसे कुछ इवेंट्स वगैरह में मिलता हूँ, कभी कभार हमारी मुलाकात होती है. तो ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, वेरी चार्मिंग, ब्यूटिफुल लेडी, ग्रेट टू टॉक टू. सुरभि चांदना, हमारी स्टीमी सुरभि. सुरभि की वो मेरे लिए तो ऑब्वियसली बेस्ट नागिन है यार, वो बेस्ट नागिन है जितने भी नागिन ने देखा है. कमाल की नागिन की भूमिका उन्होंने भाई, और मतलब सेट पे यू नो शी इज लाइक फुल ऑफ एकदम लाइव वायर है यार, मतलब जिंदा दिल है, आती है सेट पे शोर मचाना, हल्ला गुल्ला, उसके बीच में काम भी कर जाती हैं, हंसा देती हैं. तो आई थिंक यार वेरी वेरी हैप्पी गो लकी एंड टैलेंटेड गर्ल यार. दिव्यांका त्रिपाठी? Again, one of the finest actresses television has seen in I think a really long time. And I think जब उनके साथ जब हमारे संबंध भी थे, जब हम रिलेशन में भी थे, I think तब भी मैं हमेशा कहता था, दिव्यांका, you are a very fine actor. Please just stay the way you are. Do not change for anybody. And I'm glad आज भी वो वैसी हैं. As an actress मैं कह सकता हूँ, मैंने हालांकि उनका काम नहीं देखा है, बहुत टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है. The way she conducts herself, I think in public, और अपने आप को जिस तरह कैरी करती हैं, great यार, fantastic, and बहुत खुश है यार, जो मुझे बहुत खुशी होती है देखकर. How sweet, I love this यार. But बताओ, आप दिव्यांका के साथ touch हो as friends or not? मैं सच बताऊं तो सिर्फ मेरी उनसे बात हुए कुछ ज्यादा तो नहीं, बट 6 साल हो चुके. but tomorrow, नहीं यार, in fact, absolutely, मुझे पता आपका सवाल क्या है, but definitely अगर मुझे मौका मिले काम करने का, I would love to work with her. जैसे मैंने कहा, I'm very clear. She's one of the finest actresses we have, and बहुत मेहनत करती हैं यार. मुझे याद है उस टाइम भी, मतलब हम लोग जब दुल्हन कर रहे थे पहला शो, अरे यार पता नहीं वो क्या है, मतलब इतना जुनून है उसमें, पागलपन है काम करने का. आई लव इट, दैट इज समथिंग विच रियली यू नो, जो मुझे उस वक्त जब मैं अट्रैक्ट हुआ उनसे, तो आई थिंक वो जो काम के प्रति जो एक पागलपन है वो बहुत कमाल का है. तो आई थिंक वो दिखता है, जो आई होप अभी भी है. यू नो मेरा एक है, क्योंकि मैं दिव्यांका को अच्छी तरह जानता हूँ, तुमको जानता हूँ, सबको जानता हूँ जी. I would love at any point of time, I hope life reaches there where Vivek, Divyanka, Ripsy aur Sharad ek double date pe jaye, dinner khaye, hasi mazak kare, jokes crack kare and have a ball of a time. Do you see that happening? Bilkul, bilkul. Mujhe pata nahi wo kis sun mein hoga, but definitely umeed hai ki kabhi ho yaar. I think bygones are bygones aur theek hai yaar. I think we've all accepted life beautifully. We've all accepted our, we moved on. Hamari shaadiyan ho chuki hain, hum bahut khush hain. So I think it's good to have a nice dinner once in a while. Agar jab bhi ho, kabhi ho to. Hum aapko zarur bataenge sir.
अरे बताऊंगे क्या, मैं भी आ रहा हूँ भाई, तुम अपने मुझे हटाओ ना डिनर से भाई, मैं भी आ रहा हूँ, मैं बीच में बैठा रहूंगा। बट जी 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 जी, आई थिंक यू एंड योर वाइफ, बोथ ऑफ यू जी, और दोनों बच्चियां भी। हमने लॉकडाउन का फायदा नहीं उठाया, मैं सच कहूँ तो। सो आई थिंक इन द नियर फ्यूचर आई थिंक हम शायद कभी प्लान करें, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। बातें होती है बीच में एक दो बार, वी हैव अ लिटिल डिस्कशंस अराउंड, बट आई थिंक हम दोनों बिजी हैं थोड़ा अभी, कुछ हमारे कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं जो हमें पूरे करने हैं। व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन आई से पूजा बिष्ट? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली डजंट यू नो शी डजंट मिंस हर वर्ड्स। मैं सच बताऊं तो मेरा जो रिलेशन था पूजा के साथ बहुत अच्छा रहा है, कमाल का था। और मैं आज भी कहता हूँ, मैं कभी भी उसको मैं कभी भी निगेट नहीं करूंगा, कभी मैं अवॉइड नहीं करूंगा। मेहनती लड़की है यार, आई थिंक मैं चाहता हूँ कि लाइफ में वो कुछ अच्छा करे। और अभी भी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई जो मैंने डायरेक्ट की थी कुछ साल भर पहले, तो उसका जो कॉन्सेप्ट जो था वो पूजा ने मुझे दिया था जब हम डेट कर रहे थे। तो मैंने जब स्टोरी पोस्ट की तो मैंने उसे टैग किया, मैं चाहता था कि वो लोगों को पता चले कि वो कॉन्सेप्ट जो था वो पूजा ने दिया था, और जिसको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो जरूर मिलना चाहिए। तो मुझे काफी लोगों ने कहा कि यार सोच लो, मैंने कहा नहीं यार, जो क्रेडिट है जिसने जहां से वो जर्म आया है, जहां से जिसने वो सीड प्लांट किया है, वो बताना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैंने अपनी टीम के साथ पूरे फिल्म पे काम किया, लेकिन है जुनूनी है अपने वो काम को लेके, वो उसमें पागलपन है। बस मैं चाहता हूँ वो लाइफ में अच्छा करे यार, आई थिंक उसको सही कंपनी मिलना बहुत जरूरी है। मैं आज फिर से कह रहा हूँ कि उसके लिए उसकी कंपनी सही होना बहुत जरूरी है, जो उसे सही मार्ग दिखाए, जो सही मार्गदर्शन कराए, वो बहुत जरूरी है। आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो आपको शायद बहुत सारी चीजें बताएंगे, बट ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट एंड ऑलवेज फॉलो जो 10 में से शायद एक इंसान होगा जो आपका भला चाहे, उस एक इंसान की बात सुने। शरद, आई लव यू मैन, क्योंकि तुम जैसे मैंने कहा, यू आर वेरी रियल, यू आर वेरी ऑनेस्ट, You're not swayed away with success. तुम बौखला नहीं गए हो सक्सेस के साथ। नहीं, अभी 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 कुछ मिला ही नहीं है।